कॉलेज स्टूडेंट्स ऐसा टोल यू कि वाईफाई कभी भी जा सकता है और उसी टाइम पे वाईफाई चलेगा, लाइट चलेगी नहीं। आपको भी मालूम है कि जो वेदर जो है वैसा ही है, तो लाइट जी चलेगा इसलिए वाईफाई नहीं लगेगा। आई एम ऑडिबल टू यू ना? ओके बेटा, अगर बेटा इन बिटवीन भी ऐसा कुछ होता है तो समझ जाना लेक्चर कैंसिल। मैंने हालांकि आपका लेक्चर लेने के लिए अभी जो है मैं दूसरे घर पे आया हूँ कहीं और, मगर ये एरिया में ही प्रॉब्लम चल रहा है, नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो मैंने मतलब बाइक से दूसरे मेरे रिलेटिव के घर पे आया हूँ, वहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ। तो बेटा आपको मैं बोल रहा हूँ अगर इन बिटवीन यहाँ पर भी नेटवर्क का इशू हो गया तो लेक्चर कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है? आप समझ लेना, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद टुवर्ड बेसिस, बेसिस वी हैव कम्प्लीटेड right, isn't it? We have to start with salt. Okay beta, Arya, I can understand. Okay beta, wait, I'm starting the recording. ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सॉल्ट से पहले, बिफोर सॉल्ट वन पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज इंडिकेटर, राइट ना? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिकेटर, व्हाट इज पीएच, पीएच वैल्यू, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड वी कैन से मैन मेड इंडिकेटर्स आर देयर, सो जिसको हम लोग एसिड बेस्ड इंडिकेटर भी बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर्स, what is pH, right? So we will see these things in this part, right? Now let's start with indicators. What is indicator? The name itself suggests that it is a substance, right? Now it is an organic substance that indicates something, hai na? Aisa substance jo kya karta hai, indicate karta hai kuch to, kuch cheez indicate karta hai, kya indicate karta hai? Now it indicates whether the substance is acidic or basic, right? Jo substance hai, given substance, wo kya hai, एसिडिक है या बेसिक है, वो इंडिकेट करता है। तो व्हाट आर इंडिकेटर, इंडिकेटर्स आर अ वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इंडिकेट्स वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक, राइट ना? कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, ये इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट, दिस इंडिकेटर्स इंडिकेट्स और चेंज इट्स कलर, राइट ना? अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, जो गिवन सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वो सोल्यूशन का पीएच कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, कैसा पीएच है, अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वो अपना जो पीएच, जो इंडिकेटर है, अपना कलर जो है चेंज करता है, राइट ना? यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ फिनॉक्सिलिन ओवर हियर। फिनॉक्सिलिन शोज कलरलेस कलर, राइट ना? कलरलेस, फिनॉक्सिलिन इज कलरलेस इन नेचर, राइट ना? इन व्हाट, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में देखेंगे तो वो कलरलेस होता है, बट if you talk about phenolphthalein in basic medium, it shows what, pink color, kya show karta hai, pink color, am I audible na, awaaz aa rahi, okay, so pink color show karta hai, to ye kya ho gaya, hamara acidic medium mein alag color de raha hai, basic medium mein alag color de raha hai, so on the basis of that, on the basis of this color change, we can differentiate between acid and bases, right na? Acid and bases, the given solution is whether acidic or basic, we will differentiate on the basis of that color change. Understood? Right? Now, indicators, what indicators do? Indicator dissociates slightly in the solution and produces ions
एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जो भी इंडिकेटर होते हैं। तो अगर एक सोल्यूशन है, इसका मेरे को पीएच पता करना है, इसका मेरे को एसिड दिखा है या पता करना है, बेसिक पता करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इंडिकेटर इन इट। व्हाट विल हैपन, इंडिकेटर विल डिसोसिएट इनटू टू थिंग्स, दैट इज आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल एंड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दीज आयंस रिएक्ट विथ व्हाट एच प्लस आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड फॉर्म कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर, राइट ना। तो ये जो आयन्स बनेंगे, अलग अलग आयन्स बनते हैं, तो वो जो आयन्स है एच प्लस से रिएक्ट करते हैं, एंड आफ्टर रिएक्टिंग वी विल गेट डिफरेंट कलर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन। अंडरस्टूड बेटा? तो अंडरस्टूड द टर्म इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर, व्हाट इट शोज, इट इज अ वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन, राइट ना। एंड इट डू इट व्हाट, इट चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच और अकॉर्डिंग टू द एच प्लस आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। एंड व्हाट इट डूज, व्हाट इंडिकेटर डू, इंडिकेटर dissociates slightly in the solution and produces ions and undissociated molecule, and these ions react with H plus ion present in the solution and form different color, and on the basis of this color we can find out whether the compound is what, acidic or basic in nature. Understood beta, all of you? Ek hi bachche ko samjhao. Okay, now second one is what, pH value. What is pH value? If you take a pure water, right now pure water is neutral in nature. Neutral in nature. Why it is neutral in nature? When you pure water, when it ionized, we know that it self ionized. It अपने आप ही ionized होता है, right now. So it self ionized, it's right now, and form equal number of H plus ion and OH minus ion. मतलब जितने H plus ion है, उतने ही OH minus ion जो है produce होते हैं किसके अंदर, पानी के अंदर, वो अपने आप डिसोसिएट करते हैं। हाउ मेनी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड ओएच माइनस इन द सोल्यूशन इज वॉट, इन द वाटर इज वॉट, इट इज अबाउट वॉट, 10^-7 मोल पर डीएम क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 10^-7 मोल पर डीएम क्यूब होता है, राइट। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इफ यू टेक अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज 10^-7, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस इज वॉट, 10^-7, राइट ना। So what is the ionic product of water? Now what is ionic product? What is ionic product of water? Means product of ions in water. जो water में जितने ions है उसका product. So what kind of ions are there in water molecule? Water, right? Two ions are there, H plus and OH minus, and H plus and OH minus का product, sorry. H plus and OH minus. Concentration of H plus and concentration of OH minus का product क्या कहलाएगा? Ionic product. These are the ions which are present in water molecule, water, right na, water ke andar produce present hota hai, khali H plus and OH minus present hota hai, to inka jo product rahega wo kya kehlayega, ionic product. Kiska product? Water ka, water ke ions ka product is called as ionic product. Understood? And what kind of ions are there, H plus ion and OH minus ion. So concentration of these H plus and OH minus ion product is called as ionic product of water. And how many what is the concentration of H plus ion in water? 10^-7. What is the concentration of OH minus in what? Water, 10^-7. You know? We are talking about concentration of H plus and product. Product means multiply, right? Concentration of OH minus, isn't it? So what is the value of this 10^-7? What is the value of this 10^-7? What will we get? 10^-14 over here. Isn't it? So we can say the ionic product of water Kw is nothing but a 10^-14. Understood? If you add, because here both ions are equal in number, H plus and OH minus ions, so therefore it is a solution. Water is what? Water is neutral in nature. Why? Because both ions are same, right? If you add acid in it, if you add acid, acid means what? H plus add kiya. Some example, pehle iske andar, in this water molecule, H plus is what, around 7 is there. Consider karo, OH minus, I am not taking a correct example. It is the example just considering. I am just considering.
के सेवन एच प्लस आर देर सेवन ओएच माइनस आर देर बोथ आर इक्वल देर फॉर इट इज न्यूट्रल इन नेचर बट राइट इफ यू एड एच प्लस इन इट राइट ना समझो एक एच प्लस एड किया सो नाउ आफ्टर एडिंग दिस एच प्लस वॉट आई विल गेट एट एच प्लस आयन एंड सेवन ओ एच माइनस आयन सो हियर एच प्लस आयन इज मोर सो वी विल से दैट सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर अंडरस्टूड नॉट समझा मीन्स वॉट इफ यू एड एच प्लस आयन सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन विल इंक्रीज एंड विच विल रिजल्ट इन टू द कॉन्सेंट्रेशन इन टू द पी एच विल मेक द पी एच ऑफ सोल्यूशन एसिडिक इन नेचर अंडरस्टूड इफ यू एड ओ एच माइनस आयन बेस राइट ना इफ यू एड एन ओ एच So NaOH consist of what OH minus. What are the right? I am adding OH minus. Now what will be there? What will happen over here? ये जो add करेंगे तो here now it is 7. H plus is 7 and OH minus become 8. OH minus बढ़ गया and OH minus is more than H plus ion. So we can say that solution is what basic in nature. Understood or not? समझो बेटा कि ये पानी है पानी में H प्लस कितना है बेटा पानी के अंदर पानी ये है पानी में H प्लस कितना है H प्लस देखा सॉरी H प्लस इज वॉट 7 एंड ओ एच माइनस इज वॉट 7 राइट ना बोथ आर 7 इन नेचर राइट बिकॉज बोथ आर इक्वल देयरफॉर वाटर इज वॉट न्यूट्रल इन नेचर इजंट इट अंडरस्टूड If I add HCl अगर ऐड करूँगा तो H प्लस इसमें ऐड हो जाएगा H प्लस अगर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर अगर H प्लस ऐड करूँगा तो what will happen? Example one H प्लस इज देयर wait ओके सॉरी कॉल आ गया था बेटा जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ओके सो एच वन एच प्लस इज देयर एच प्लस ने ऐड किया तो ये कितना हो गया बेटा ये सेवन था सेवन प्लस कितना हो गया एट एच प्लस आ गया इज़न्ट इट हाँ या ना तो एच प्लस इज मोर ओवर देयर एज कम्पेयर टू ओएच माइनस आयन बिकॉज एच प्लस इज मोर वी कैन से दैट इट इज सॉल्यूशन इज व्हाट एसिडिक इन नेचर सोल्यूशन अब क्या हो जाएगा न्यूट्रल से क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा बिकॉज एच प्लस इज मोर ओवर ये अंडरस्टूड वही बोलने की कोशिश कर बट इफ यू एड इन दिस सोल्यूशन दिस इज न्यूट्रल सोल्यूशन इन विच एच प्लस एंड ओ एच माइनस इज सेवन सेवन राइट बट इफ यू एड एच प्लस ओ एच माइनस इन इट अब मैंने एक ओ एच माइनस एड कर दिया मैंने बेस एड किया एन ए ओ एच एड किया जिसके अंदर ओ एच माइनस सब वो एड हो गया बराबर सो हियर एच प्लस रिमेन सेम दैट इज सेवन बट ओ एच माइनस विल बी व्हाट एट नाउ है ना मैंने ओ एच माइनस ऐड किया इसके अंदर अरे हाँ है ना तो ओ एच माइनस ऐड करने के बाद क्या होगा ओ एच माइनस पहले सेवन था मैंने एक ओ एच माइनस ऐड किया इसका मतलब ओ एच माइनस बढ़ गया एंड बिकॉज़ ओ एच माइनस इज ग्रेटर देन ओ एच प्लस आयन ओवर हियर सो ओ एच माइनस इज नॉट बेसिक इन नेचर सो देयरफॉर वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज बिकॉज़ ओ एच माइनस इज ग्रेटर देन एच प्लस आयन सो वी कैन से दैट इट दिस सॉल्यूशन इज नाउ बेसिक इन नेचर अंडरस्टूड नाउ अंडरस्टूड Now what is pH value? pH value is the value where that represents the strength of acid and base, right? Now, on the basis of pH value, find out the strength of acid and base, right? Now, acid or base ka strength find out kar sakte. Understood? Okay, beta. उसके बाद क्या है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच राइट ना पीएच का डेफिनेशन क्या है सो पीएच का डेफिनेशन ये होता है पीएच ये जो फॉर्मूला है ये डेफिनेशन व्हाट इज द फॉर्मूला मैं यहां पर इसको जगह नहीं यहां पे लिख सकता पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन राइट ना राइट सो यू कैन राइट द इट इज अ नेगेटिव लॉग पीएच ऑफ लॉग मतलब क्या लॉग इज लॉग का मतलब क्या होता है लॉग इज सो इट इज अ नेगेटिव लॉग इज द बेस 10 Concentration of H plus ion is called as pH and pOH is opposite to this. pOH क्या रहेगा? Same रहेगा. Negative log to the base 10 concentration of what? OH minus ion. है ना? pOH क्या रहेगा? Negative log. ये बस same रहेगा. बस log में क्या रहेगा? OH minus ion. Understood? हाँ है ना?
पीओएच इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, बट बिकॉज आपको पढ़ना है फ्यूचर में तो इसलिए बता दे रहा हूँ, पीओएच भी होता है। पीओएच जो है बेस की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए इसका पीओएच, तो पीओएच जो है वो क्या होता है, सेम फॉर्मूला होगा नेगेटिव लॉग ओएच माइनस एन। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच यू विल से इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन इज पीएच, एच प्लस मीन हाइड्रोजन आयन, अंडरस्टूड राइट, विच इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, वो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर नहीं लिखेंगे चलेगा, बट मेन टॉपिक इज व्हाट, इट इज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोनियम आयन ऑफ एच प्लस आयन, अंडरस्टूड राइट। And what is POH? POH is a negative logarithm to the base 10 concentration of OH minus ion means hydroxyl ion. Understood? Understood. Now pH, pH कैसे मालूम पड़ेगा? अगर pH 7 है इसका मतलब क्या? Solution neutral. And which means what? H plus concentration and OH minus concentration is equal. Both are equal. Understood? Right? इसको अगर मैं zoom करके बताऊंगा समझ में नहीं आएगा तो राइट। तो इफ यू सी ओवर हियर, अगर पी एच 7 है विच मीन्स दैट पीएच इज न्यूट्रल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ओएच माइनस इज इक्वल राइट ना। इफ यू टेक पी एच इज लेस देन 7 देन व्हाट, पी एच अगर लेस देन 7 मीन्स 6.5 विच मीन्स दैट एसिडी के मतलब क्या होगा, विच मीन्स दैट एच प्लस इज मोर देन ओ एच माइनस आयन, अंडरस्टूड ऑन ऑन। एंड इफ पी एच इज मोर देन 7 if it is between in between what 8 to 14 we will say it is basic in nature and basic A means what OH minus is greater than H plus ion, understood। कुछ बुक में H plus की जगह हाइड्रोनियम आयन means H3O plus भी लिखा होता है तो which is equal right ना, मैं बोल चुका H plus is equal to H3O plus ना, because H plus is highly unstable तो वो हमेशा पानी से react करता है and it always Okay students, am I audible? Lecture में बाद में बात करता हूँ, हाँ चल। Am I audible students? Screen is visible to you? Yes, student. Yes, my screen is visible. Respond me fast. Screen is visible or not? Sorry, I'm not getting your voice here. Respond me now, respond me beta. Okay, yes, yes, so call again. Yes, I was here. Now we are done with what pH value now, right? Now we will go for next topic, that is determination of pH by using indicators, right? Now, so
So how you determine the pH by using indicators? So different kind of indicators are there. Litmus, red litmus is there. Methyl orange is there. Litmus is there. So litmus paper is there. Methyl orange is there. Phenolphthalein are there. These are comes under what acid base litmus paper. Which acid base indicators. And if you talk about universal indicator, so pH paper is a universal indicator. We'll see that, right? So here, on the basis of different indicators, we can find out that whether the solution is acidic or basic, right? If you take this litmus paper, right? So litmus paper in acidic solution turns red. If acidic solution mein aap dalunge to red ho jayega. And if you dip litmus paper in what basic solution, it will turn to blue, right? So ye jo change hai, right? Agar aapko solution diya hai, if the solution is given to you, right? And they will ask you whether it is acidic and basic in nature. What you will do? You will add litmus, dip the litmus paper in it, right? And if it turns to red, we will say that it is acidic in nature. If it turns it to blue, we will say it is a basic in nature. Understood or not? Yes. Next one is similar. Methyl orange is there. Methyl orange is a solution, or we can say it's a liquid. If you add this methyl orange in what in acidic solution, it will turn to pink. ये क्या होता है? Solution जो एकदम colorless था, अगर इसमें methyl orange डालेंगे, अगर solution जो pink color का हो जाएगा, so then you can say that it is a acidic in nature. But if a given solution is there, and if I add methyl orange in it, and if it turns to what yellow color, means yellow color is not there, no change color, because methyl orange जो है वो orange yellow color का ही होता है, yellowish means yellowish orange बोल सकते हैं हम लोग. तो methyl orange का color ही yellowish orange का होता है. तो अगर ये same color रहेगा, there is no change, so then you will say that it is a basic nature. But if there is a change, it turns to orange to it turns orange to pink, then you will say that it is a acidic in nature, right? Understood? And third one is what phenolphthalein indicator. So phenolphthalein also shows what different changes, right? Now, in basic medium, it changes to pink, right? Now, and in acidic medium, there is no change. Phenolphthalein is a colorless solution, colorless indicator, right? Now, if we add phenolphthalein in what a solution, right? Now, and if the solution is colorless only, as it is, remain as it is, right? Color jo hai change nahi hua, it will show colorless only, right? Then you will say that it is acidic in nature. But if you add phenolphthalein in a solution and if you get pink coloration, what do you get? Pink coloration is there, then you can say that the solution, given solution, is what? Basic in nature. Basic in nature, right? Understood or not? So likewise, we can go for different indicators. If there is a color change, if there is a odor change, right? On the basis of odor, on the basis of color, we can decide that solution is basic. Network bahut problem hai. What can I do beta? Network issue is there. Am I audible now? Is it clear, beta? थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आज के लेक्चर में, बिकॉज आई डोंट हैव वाईफाई. आई हैव वाईफाई बट लाइट इज नॉट देयर, एंड बिकॉज योर लेक्चर इज देयर, मैं मेरे घर से दूसरे ही घर आके लेक्चर ले रहा हूँ जहाँ पे नेटवर्क हो, वहाँ पे भी नेटवर्क जो है आप देख सकते हो कि कितने सिम्बॉल है. यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको कितने हैं नेटवर्क? दो और तीन दिख रहे हैं ना ऊपर. ये सो नो कैन सी ओवर हियर. तो यहाँ पर नेटवर्क जो है, हाँ, एकदम से चले जाएगा तो भी बेटा आवाज ही आएगी. मैं कहीं कुछ नहीं करता बेटा, थोड़ा सा एडजस्ट करो बेटा. और एकदम से आवाज ही आएगी तो प्लीज मेरे को बोल दो, तो भी स्टॉप बोल दे, राइट ना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूँ और बच्चों को समझ भी ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. सो अंडरस्टूड दिस पार्ट? एनी डाउट इज देयर इन दिस टॉपिक? प्लीज लेट. Any doubt is there? बोलो बेटा, doubt है?
Yes, to be given. Now, color changes, as I told you, color changes are यहाँ पर ये पेज पे कलर चेंज दिए दिया हुआ है. नॉर्मल लिटमस पेपर का जो है न्यूट्रल कलर के साथ पर्पल का होता है, पर्पल कलर का न्यूट्रल पेपर इन बेसिक और क्लाइन सॉल्यूशन इट विल शो ब्लू कलरेशन, राइट ना. मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नॉर्मली शोज व्हाट, येलोइश ऑरेंज कलर, राइट ना. एंड इफ यू ऐड दिस इन एसिडिक मीडियम it will become pink. If add in basic medium, it will remain as it is or slightly yellow ho jayega. So if you get yellowish color, then you will say that it is basic in nature. Phenolphthalein, if you take phenolphthalein is colorless solution. If you add in acidic medium, it remains colorless. Then you can say that it is acidic in nature. Solution is acidic nature. If you add phenolphthalein in the solution and it become pink in color, then you can say that basic in nature, clear it is given. Understood or not? Yes or no? And then alkaline phenolphthalein is also there. So alkaline phenolphthalein is pink in color. So if you add alkaline phenolphthalein in acidic medium, so this pink color will disappear and you will get colorless solution. If you get colorless solution, then you can say that this solution is all acidic in nature. And if you add alkaline phenolphthalein in what basic solution, it will remain as it is, right? And if pink color is there, you can say that solution is what basic in nature. Understood? Okay, brother. Now, type of indicator, there are two types. In the start only, I have a the common example of acid base indicator. While if you talk about universal indicator, pH solutions are the example of universal indicator. Understood or not? Yes, understood? First point. Then, what it do? Or we can say, what it indicates, right now? If you talk about acid base indicator, it indicates whether the solution is acid or base, right now? Ye aapko batayega ki acid hai ya base. अगर एग्जाम्पल के पास दो सोल्यूशन है, ये भी एसिड है ये भी एसिड है, तो कौन कितना एसिडिक है, हम लोग को ये लिटमस सॉरी ये जो इंडिकेटर है लिटमस के बारे में मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थैलीन, बाय यूजिंग दिस वी कैन नॉट डिफरेंशिएट वेदर दिस व्हिच वन इज मोर एसिडिक एंड मोर व्हिच वन इज लेस एसिडिक. अंडरस्टूड? बट इफ आई टेक टू सोल्यूशन वन एंड टू, राइट राइट, एंड आई हैव टू फाइंड आउट वेदर व्हिच वन इज एसिडिक व्हिच वन इज बेसिक. सो बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर वी कैन फाइंड आउट दैट व्हिच वन इज and which one basic, right na? Because it anything acidic or basic pata karta hai. Example litmus paper, agar litmus paper ko main yahan pe dip karunga to kya ho jayega, ye sab example acidic hai to litmus paper kya ho jayega, red ho jayega. And because litmus paper red hai to bolunga ye acidic hai. Agar ye base example, right na, base if I put litmus paper in it, right na, what happen, blue coloration milega litmus paper pe, hai na. Litmus paper ko kaisa ho jayega, blue ho jayega. Because litmus paper is becoming blue, so we can say that it is basic in nature, isn't it? But we cannot differentiate nature. We cannot differentiate between what आवाज आ रही है, am I audible? Yes, student. So by using normal acid base indicator, we can. Sorry. Now am I audible or not? So
Understood this thing. What I am saying that acid base indicator it cannot differentiate between two acidic solution. अगर दो एसिडिक सोल्यूशन होगा हमें को कोई बोलेगा कि दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है विच वन इज मोर एसिडिक एंड विच वन इज लेस एसिडिक वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बाय यूजिंग राइट ना इफ यू डिप एसिडिफाई इन इट विल बिकम रेड इसमें अगर आप डालोगे तो भी रेड हो जाएगा दोनों में रेडी हो रहा है दोनों में रेड हो रहा है तो वी कैन से दैट इट इज एसिडिक इन बोथ आर एसिडिक इन नेचर बट हम लोग दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन ज्यादा एसिडिक है कौन नहीं है यस बेटा कर पाएंगे क्या नहीं ना ओके बट टॉक अबाउट पीएच पेपर राइट ना पीएच पेपर का एक रेंज होता है देखो यहाँ पे दिया हुआ राइट पीएच पेपर फोटो देखो ये पीएच पेपर यहाँ पर दिया हुआ राइट दिस पीएच पेपर राइट ना पीएच पेपर का कलर जो है वो कैसा होता है पर्पल का होता है देखो यहाँ पे दिया पर्पल नहीं सॉरी पीएच पेपर का कलर नहीं दिया हुआ वो भी पर्पल ही होता है लाइट कलर का पिंकिश कलर का है तो okay so if you take pH paper example right now so it changes different in different color right now in different condition right now if the pH is what 1 to 2 in between 1 to what 2 it will show red coloration if it become if pH is what around 2 to 4 it will show orange coloration and likewise right now so here we are getting different coloration right now So on the basis of that, we can differentiate between the solution. Right? If two solution is given, right? If ये दो pH वाला है और ये क्या है चार pH वाला है, right? तो अगर मेरे को बोला है कि बताओ कि इसमें acidic कौन ज़्यादा है, तो इसको जैसे मैं इसमें pH paper डालूँगा, right? What will happen? We will get red pH paper, right? Red हो जाएगा. And because it is red, so we can say that pH is around 1 to 2, right? अगर मैंने इसमें pH paper add किया and pH paper is what around orange coloration is there or yellow coloration is there so we can say it is around 4 pH is there on the basis of that we can say that because pH is 4 and here pH is 2 jitna acid mein pH kam rahega utna acidic hota hai right na aur base mein jitna pH zyada rahega utna wo basic hota hai to yahan par agar 7 se jitna kam hota jayega utna acidic so because here it is 2 so we can say that this solution is more acidic than This one, right? Na? A solution is more acidic than B solution. Understood or not? All of you understood, beta? Remaining students. Here, litmus indicator ke bare mein diya hai. How to prepare litmus indicator, right? Na? So litmus, the substance, litmus solution, substance is obtained from what? Lichen. Lichen. So, hum log kya karenge? Lichen se jo hai litmus ko, litmus ke substance ko lete hain. एंड लिटमस सब्सटेंस को क्या करते हैं कैसे प्रिपेयर करते हैं लिटमस को 5 ग्राम 0.5 ग्राम लेते हैं हम लोग एंड इफ यू डिजॉल्व 0.5 ग्राम लिटमस सब्सटेंस इन वॉट 1 लीटर ऑफ वाटर यू विल गेट लिटमस इंडिकेटर अंडरस्टूड ऑन नॉट लिटमस सोल्यूशन जो होता है कैसे बनता है 0.5 ग्राम लिटमस लेना पड़ेगा हम लोग को जो लीचन से मिला आपको एंड इफ यू एड इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर right na you will get litmus solution understood or not samjha okay now next topic is about utility of indicators ph values right na so utility means what we can say importance or uses of ph paper or indicators ka uses kya hai kahan ka use hota hai सो इट इज यूज इन एग्रीकल्चर राइट ना एग्रीकल्चर में हम लोग पी एच पता करते हैं राइट पी एच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर डिफरेंट ग्रोथ जो है वो अलग अलग सॉइल की जो है मतलब अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उसके लिए अलग अलग मीडियम रिक्वायर होता है राइट ना इफ यू टॉक अबाउट दैट सिट्रस फ्रूट राइट
lemon hai, then oranges are there, mosambi means what, lemon, oranges like this, citrus rich fruit, agar unki baat karenge, they are always what, for that, such kind of crops, we require alkaline soil. है ना, सिट्रस फ्रूट को अगर हम लोग को ग्रो करना है तो फॉर ग्रोथ ऑफ दिस काइंड ऑफ व्हाट क्रॉप अल्कलाइन सॉइल इज रिक्वायर्ड एंड फॉर राइस एसिडिक सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर शुगर कैन न्यूट्रल सॉइल इज रिक्वायर्ड सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट सॉइल ओनली वी कैन व्हाट ग्रो द क्रॉप्स अलग अलग क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीएच ऑफ द सॉइल If pH is what acidic in nature, we can grow rice. If it is basic in nature, we can grow citrus fruit like mosambi, lemon, etc. And if soil is neutral, we can grow sugar. So, अगर मेरे को मतलब कोई भी crop grow करना है तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा soil की pH check करना पड़ेगा कि कौन सी pH है आप कोई भी soil में किसी को भी grow नहीं कर पाओगे वरना grow नहीं होगा समझा हम लोग को Then, डेरीज प्रोडक्ट लाइक मिल्क राइट ना सो मिल्क जो होता है मिल्क का जो पीएच है परफेक्ट मिल्क जो जैसे एग्जांपल मार्केट में अमूल का मिल्क आता है तो अमूल का मिल्क जो बनता है तो बनने के बाद टेस्टिंग होती है पैस्चराइजेशन होता है एंड आफ्टर पैस्चराइजेशन पैस्चराइजेशन में जो है वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो किल होते हैं आफ्टर पैस्चराइजेशन वो लोग क्या करते हैं पीएच चेंज चेक करते हैं पीएच अगर 6.6 है इसका मतलब क्या है पीएच जो है वो थोड़ा एसिडिक हो गया है ना और पीएच का नॉर्मल जो है मिल्क का पीएच जो है वो बेस या न्यूट्रल में होता है न्यूट्रल होता है तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर हल्का सा एसिडिक है इसका मतलब वो सॉर हो जाएगा वो खराब हो सकता है राइट और जितना वो एसिडिक की तरफ जाएगा उतना वो खराब हो जाएगा और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा राइट नेक्स्ट वन टेक्नोलॉजी बायोकेमिकल और ऑर्गेनिक रिएक्शन राइट इसके अलावा जैसे कि बायोकेमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन राइट इफ यू टॉक अबाउट लैब राइट ना तो लैब ऑल्सो सम रिएक्शन रिक्वायर एसिडिक कंडीशन सम रिएक्शन रिक्वायर बेसिक कंडीशन राइट ना तो फॉर दैट ऑल्सो वी नीड पीएच राइट ना पीएच चेकिंग ऑफ पीएच इज कंपल्सरी ओवर देयर ऑल्सो एंड नेक्स्ट वन इज मेडिसिन राइट ना तो मेडिसिन इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन राइट ना मैनी डिसीज आर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीएच वैल्यू ओनली है ना नॉर्मली हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें अगर हम लोग को कुछ हुआ है तो हम लोग को पीएच का जैसे एग्जांपल हम लोग को वो हुआ है क्या बोलते हैं हम लोग पीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं याद दिया पता है हम लोग को किसी को तो बहुत सारे अलग अलग है जिसमें हम लोग को ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो ब्लड टेस्ट का जो है अगर वैल्यू चाहिए ब्लड की वैल्यू जो होती है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है अराउंड 6 के अराउंड वैल्यू होती है उसकी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है तो वो वैल्यू पीएच रहना जरूरी है ब्लड का अगर उसके ऊपर या नीचे पीएच चेंज हो जाएगा आपका ब्लड का तो आपका जो है वो अगर पीएच में वैरी होता है इसका मतलब ब्लड जो है आप बीमार पड़ रहे हो है ना तो पीएच और एकदम ज़्यादा चेंज हो गए तो डेथ भी हो सकती है पीएच अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा वैरी हो जाएगा तो आपकी डेथ भी हो सकती है समझो किसी की भी जो बंदे का पीएच वैरी है तो उसकी डेथ हो सकती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द पीएच ऑफ द ब्लड राइट पीएच का मेंटेन करना जरूरी है और मेंटेन रहता है अपने आप वो बफर रहता है ब्लड के अंदर बफर होता है अब बफर क्या है वी विल सी इन हायर स्टैंडर्ड तो बफर होता है जिसके वजह से ब्लड का पीएच जो है वेरी नहीं होता बट बिकॉज अगर कोई डिसीज हो जाएगी हम लोग को तो आपका ब्लड का पीएच हल्का सा वेरी होता है बट ज़्यादा वेरी हो जाएगा तो डेथ भी हो सकती है सिमिलरली यूरिन का पीएच भी मैटर करता है एसिडिक होता है यूरिन का पीएच अगर वो बेसिक के इसमें चले जाएगा तो हम लोग को बीमारी हुई है ये हम लोग को अंडरस्टूड करना चाहिए सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी कैन फाइंड आउट द वेदर वी आर हैविंग डिसीज और नॉट राइट और डिसीज कैन बी डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीएच ऑफ द यूरिन एंड ब्लड अंडरस्टूड और नॉट हियर सम पीएच इज गिवन राइट ना वी विल टॉक अबाउट एससीएल का पीएच कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का 1.2 होता है राइट एसिडिक एसिड का 2.9 होता है टार्टरिक एसिड का 3.6 होता है 3.5 होता है लैक्टिक एसिड का 6.6 एंड बिकॉज लैक्टिक एसिड 6.6 है इसलिए मिल्क जो है हम लोग पी सकते हैं ना इजीली और कितना भी पी सकते बिकॉज हल्का सा 7 से ये थोड़ा सा कम हल्का सा मतलब स्लाइटली एसिडिक है बहुत एसिडिक नहीं है कि हम लोग उसको कंज्यूम नहीं कर पाए राइट इफ यू टॉक अबाउट पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड
7.3 is given, but आप check कर रहे हैं इसका correct value है कि नहीं. Human value की value जो है वो 7 के आसपास होना चाहिए, मगर exactly मेरे को value याद नहीं. Okay, then albumin की value जो होती है, हमारा egg जो होता है, egg के अंदर white part जो होता है, वो क्या होता है 7.9. The value of sea water, that is the salted water, is around what 7.8.5. The value of ammonium hydroxide is 11.1, and the most basic in nature what sodium hydroxide, that is 13 value, right? The value of pH value of sodium hydroxide is what 7.13, right? And pH value जो है ranges from 1 to 14. 14 के ऊपर नहीं जाएगा, 1 के नीचे नहीं आएगा. Understood? अब ये 14 के ऊपर क्यों नहीं जाएगा? Because क्या हमने अभी देखा था, ionic product of water is what 10^-14, and इसका negative log लगा देंगे तो क्या पड़ेगा? Negative log of 10^-14 is what -14, and minus minus cancel हो जाएगा तो क्या आएगा +14. आपका range जो है 14 तक आएगा. क्या आएगा? 14 तक आएगा. Understood or not? Yes? Any doubt is there? Okay, yes, what about other students? Understood or not? Okay, okay. So next topic, this topic we have completed, right now. So bases and acids. These two topics we have completed. Now we will go for what? Salts and their preparation. Now what is the definition of salt? Salts kya hota hai? Salt kya hota hai? Kaise banta hai pehle? Chemical definition. This definition is based on what? Chemical only, right now. Chemical formula. If you talk about salt, NaCl. So NaCl is what prepared from what? HCl only. Right now, if you add NaOH in HCl, what will happen? NaOH in HCl, what will happen, beta? Na will what replace hydrogen atom? Right now, hydrogen atom ko replace karega. Right now, so the compound which is formed by partial replacement or complete replacement of hydrogen atom. Jo acid hai, acid ke hydrogen ko replace karega. Agar partially karega. या फिर कंप्लीट रिप्लेसमेंट करेगा, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे. अंडरस्टूड? एग्जांपल NaCl था, सॉरी HCl था. HCl को मैंने क्या किया, इसमें से H को रिप्लेस किया, एंड व्हाट आई हैव गॉट? NaCl. सो H को मेटालिक आयंस के जरिए या अमोनियम आयन के जरिए रिप्लेस किया. अगर मैं H को पार्शियली और कंप्लीटली अगर रिप्लेस करूंगा किसके जरिए? मेटेलिक आयन के जरिए और अमोनियम आयन के जरिए. इफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय मेटेलिक आयन, पार्शियली रिप्लेस और कंप्लीटली रिप्लेस बाय मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन, देन द कंपाउंड विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्ट. अंडरस्टूड और नॉट? यस, टेल मी, अंडरस्टूड और नॉट? नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज what is partial and what is complete, right? Now complete ionization replacement and partial replacement. So right here you take example of partial replacement, right? So HSO4 is there, right? If I add NaNO3 in it, right? Now what will happen? This Na will replace this hydrogen, right now? One Na is there, so Na will replace this hydrogen, and what I will get? I will get NaHSO4 over here, right now? Understood or not? I am getting NaHSO4. So because we are not replacing all both hydrogen atom, we are not replacing both hydrogen atom. Instead of both, we are replacing only one hydrogen atom. So on the basis of this, we can say that what? This is a partial replacement. Understood or not? Samjha beta? And this H will goes to NO3, and we will get HNO3 as the byproduct, nitric acid. Understood? Bolo beta. Ek hi bachchi hai beta. What about other students?
I'm not getting the response. Okay, now we will see next one. Complete replacement. Complete replacement मतलब क्या? कि अगर मैंने यही चीज किया मगर क्या हो गया, पहले केस में क्या हुआ, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हुआ था, मगर अगर मैंने यहाँ पर क्या किया, टू मोल्स ऑफ NaNO3 ऐड किया. हाउ मेनी टू मोल्स ऑफ NaNO3 ऐड किया इन H2SO4. व्हाट विल हैपन, बिकॉज हियर वी आर हैविंग टू Na, राइट ना, सो दिस टू Na कैन रिप्लेस टू हाइड्रोजन एटम, एंड आफ्टर रिप्लेसिंग वी विल गेट NaSO4, Na2SO4, एंड बिकॉज both two hydrogen atom is replacing from two sodium ions, so we can say that what we will get, HNO2 moles of HNO3, right? And here, as both hydrogen atom are replacing by metallic ion, so we can say that it is a complete replacement. Understood or not? यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बिकॉज दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हो रहे हैं और उसकी जगह पे दो Na आ रहे हैं, इसका मतलब इसको कंप्लीट रिप्लेसमेंट बोलेंगे. अगर एक हाइड्रोजन रह जाएगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल रिप्लेसमेंट. अंडरस्टूड? ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस. राइट, बेटा समझ में आता है ना लेक्चर अच्छे से? यस स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी. एनी डाउट इज देयर ना, यू कैन आस्क मी. डोंट वरी, डोंट फील शाय. ओके, लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट, आयोनिक डेफिनेशन. आयोनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट. नाउ व्हाट इज आयोनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट, राइट? क्या होता है आयोनिक डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट? तो मीन्स आयन्स कौन से फॉर्म होंगे. सो इफ यू डिजॉल्व NaCl इन वाटर, राइट ना व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट अ कटायन दैट इज Na+, राइट, एंड यू विल गेट एन अनायन दैट इज Cl-. सो हियर वी आर गेटिंग अ कटायन. कटायन मीन्स व्हाट, पॉजिटिव आयन्स, राइट ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और पॉजिटिव आयन तुमको मिल रहा है, एंड यू विल गेट एन अनायन दैट इज नेगेटिव आयन एक्सेप्ट OH-. OH- को जोड़ के किसी और चीज मिल रहा है. तो ऐसे सॉल्ट, ऐसी चीज को, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे. समझा? सो सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड विच डिसोसिएट इन वॉटर एंड गिव पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन एंड नेगेटिव आयन एक्सेप्ट OH- आयन दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन. अंडरस्टूड ऑन ऑट? Here it is a given what example is given over here. Here you are getting positive ion, that is Na+, and negative ion Cl-, because these are the positive negative ions other than what hydrogen and hydroxyl ion. So therefore, because we are getting hydrogen ion and hydroxyl ion, right? Here we are getting positive ion and negative ion other than H+ and OH-, then such kind of compound which are giving H+ and OH-, which are giving positive ion other than H+ and OH-, such kind of ion compounds are called as what, salt. Understood or not? Okay, here some preparation is given over here. So first one is what, always salts are formed what, by neutralization reaction, by neutralizing what, acid plus base, right? If you add acid in base, you will get what, salt and water, right? If you add acid in base, you will get salt and water. This is a neutralization reaction, you all know that, right? Now, what is neutralization reaction? Neutralization of reaction is nothing but a reaction of acid and base is called as neutralization reaction. Reaction of acid and base which gives salt and water is called as neutralization reaction. If we add HCl in NaOH, what you will get, beta? You will get Na will go to Cl part, you know, and you will get NaCl over here, and this H will goes to OH, and you will get H2O from this. So here we got salt. So salt, pehla form preparation samajh mein aa gaya hum logo ko, ke it can be prepared by acid and base by neutralization reaction. Understood?
Okay, so today we will stop over here because network is not proper, and here we have completed the salt definition part, and preparation is also there, and we are next time we will start classification right now. So classification different topic है, तो ये अभी इतने एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाएगा, तो वे स्टॉप ओवर ही है ना, नेटवर्क भी फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही है. ओके, टिल येट यू हैव अंडरस्टूड, एनी डाउट इज देयर, कैन यू रिपीट व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट इज इंडिकेटर बेटा, व्हाट इज इंडिकेटर, जो भी आता बोलो, एग्जैक्ट नहीं बोलना जरूरी है. Now what we have understood now, then just tell me. But yeah, okay, very good beta. They are weak organic compound which changes its color in different solution according to their pH. Right now if it is acidic, if they will change different color, they will show different color. If it is basic, they will show different color. Good beta. Now what is pH value, jo bhi samajh mein aaye. Yes, it is. What is pH? pH value, I asked pH value, but you are talking about pH. Good. Okay, it is good. pH definition is what? pH is what? Negative logarithm to the base 10 concentration of H plus ion, that is hydronium ion. हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, बेटर वुड बी हाइड्रोनियम आयन. हालांकि एच प्लस होता है, बट एच प्लस मैं बोला डजंट एग्जिस्ट, व्हाट डजंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट अनस्टेबल नेचर राइट ना, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट हाइड्रोनियम आयन. सो वी विल से पीएच इज अ नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन. अंडरस्टूड? Now there are two type of indicator, that is acid base indicator and universal indicator. Can you give me the example of one example of both? And mix indicator, pH paper, pH solution is yes, okay, beta, correct. Now, now tell me what is the difference between universal indicator and this one?